एसडीपीजीआई में कल से शुरू होगा सामान्य ओपीडी। ऑनलाइन पंजीकरण कराने की बाध्यता हुई खत्म। कोरोना रिपोर्ट निगेटिव दिखाने पर बनाया जाएगा पर्चा। तो ओपीडी में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी कराया जाएगा। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, मरीज के साथ एक ईमानदार को अंदर जाने की अनुमति। इस वक्त की बड़ी खबर, एसडीपीजीआई में कल से शुरू होगा सामान्य ओपीडी। ऑनलाइन पंजीकरण कराने की बाध्यता अब खत्म हो गई है। कोरोना रिपोर्ट निगेटिव दिखाने पर बनाया जाएगा पर्चा। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी कराया जाएगा। तो ओपीडी सुविधा खोलने के साथ ही तमाम चीजों दिशा निर्देश पारित कर दिए गए हैं, जिसमें कोरोना रिपोर्ट निगेटिव अनिवार्य रखी गई है। वही अगली बड़ी खबर, यूपी सरकार का बड़ा फैसला। किसी भी जिले में 500 के पार केस तो लगेगा कोरोना कर्फ्यू। बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं, यूपी में लगाई गई 2,50,00,000 कोरोना वैक्सीन। पिछले 24 घंटे में 593 लोग हुए डिस्चार्ज। तो 21 जून से ज्यादा वैक्सीन लगाने का लक्ष्य भी तय किया गया है। वहीं अगर 500 से अधिक किसी भी जिले में कोरोना के केसेस पाए गए तो कोरोना कर्फ्यू लगाया जाएगा। ये सरकार की तरफ से जारी किया गया है। वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष धनदेव सिंह ने बुलाई बड़ी बैठक। पार्टी के प्रदेश पदाधिकारियों को बैठक में बुलाया गया। आज सुबह 11 बजे पार्टी मुख्यालय पर होगी बैठक। महामंत्री संगठन सुनील बंसल समेत कई लोग मौजूद। एमएलसी अरविंद कुमार शर्मा बैठक में नहीं हो पाएंगे शामिल। दिल्ली में होने की वजह से नहीं होंगे शामिल। सोमवार को दिल्ली से लखनऊ आ सकते हैं AK शर्मा। बैठक में योगी योग दिवस कार्यक्रम की रूपरेखा भी होगी तय। तो बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने बड़ी बैठक बुलाई है। प्रदेश के पदाधिकारियों को इस बैठक में शामिल किया गया है। साथ ही साथ AK शर्मा भी इस बैठक में शामिल होंगे। सोमवार को 11 बजे ये बैठक होगी। महामंत्री संगठन सुनील बंसल समेत कई लोग मौजूद होंगे। अरविंद कुमार शर्मा भी बैठक में शामिल नहीं हो पाएंगे। दिल्ली में सोमवार को दिल्ली से लखनऊ आ सकते हैं AK शर्मा। तो अगली बड़ी खबर, बंदाइयों में नहाते समय 3 बच्चे डूबे। सोत नदी में डूबे 3 किशोर। परिजनों ने शोक की लहर। इस्लाम नगर थाना क्षेत्र के कुंवरपुर गांव का मामला। बंदाइयों में नहाते समय 3 बच्चों के डूबने की खबर सामने आ रही है। सोत नदी में डूबे हैं ये तीनों किशोर। परिवार में कोहराम मच गया है। वही यूपी में मिशन कमल में जुटी बीजेपी। 29 और 30 जून प्रदेश कार्य समिति की बैठक। वर्चुअल बैठक करने पर चल रहा है मंथन। जेपी नड्डा बैठक के सत्र का कर सकते हैं उद्घाटन। बड़ी खबर, बैठक में राजनीतिक प्रस्ताव पारित किया जाएगा। यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर होगा मंथन। तो यूपी में मिशन कमल में बीजेपी जुट गई है। 2022 के चुनाव को लेकर 29 और 30 जून को कार्य समिति की बैठक होगी, जो वर्चुअली तौर पर किए जाएगी। इसमें मंथन होगा, साथ ही साथ जेपी नड्डा के सत्र का भी कर सकते हैं उद्घाटन। बैठक में राजनीतिक प्रस्ताव पारित करने पर भी मंथन किया जाएगा। वही लखनऊ में बियर शॉप पर हुई मारपीट। बड़ी खबर, मारपीट के मामले में शशिटर गिरफ्तार। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर हुई कार्रवाई। कैसरबाग इलाके में हुई थी मारपीट। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, सीसीटीवी फुटेज के आधार पर मारपीट के इस वीडियो को जब खंगाला गया तो हिस्ट्री शीटर इसमें गिरफ्तार कर लिया गया है। प्रदेश के 14 जिलों में आज भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया है।
बारिश के साथ बिजली गिरने का भी खतरा। बहराइच, गोरखपुर सहित कई जिले शामिल। लखनऊ में भी हल्की बारिश की संभावना जताई गई है। तो उत्तर प्रदेश में बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया है। 14 जिलों में बारिश हो सकती है, साथ ही साथ लखनऊ में भी हल्की फुल्की बारिश का अनुमान जताया गया है। मौसम विभाग का अलर्ट बारिश को लेकर सामने आया है। बहराइच, गोरखपुर सहित कई जिले शामिल है। वही लखनऊ से बड़ी खबर, जल्द आ सकता है जेल वार्ड फायरमैन भर्ती के परिणाम। अब अंतिम परिणाम होगा जारी। 2020 में किए गए थे आवेदन, पुलिस के 102 रिक्त पदों के लिए हुए थे आवेदन। तो लखनऊ से बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जल्द आ सकता है जेल वार्डर फायरमैन भर्ती के परिणाम। लंबित पड़े, अंतिम परिणाम होगा जारी। जल्द ही अंतिम परिणाम जारी कर दिया जाएगा। वहीं लखनऊ से अगली बड़ी खबर सामने आ रही है, बिजनौर सड़क दुर्घटना का सीएम ने लिया संज्ञान। सीएम योगी ने की सभी के स्वस्थ होने की कामना, अधिकारियों को राहत कार्य चलाने के दिए निर्देश। जांच कर आख्या प्रस्तुत करने के भी दिए निर्देश। तो बिजनौर, बड़ी खबर बिजनौर से वक्त बता रहे, जहां सड़क दुर्घटना का सीएम ने संज्ञान लिया है और सबके स्वास्थ्य होने की कामना की है। अधिकारियों को राहत कार्य चलाने के दिशा निर्देश भी दे दिए गए हैं। अगली बड़ी खबर, देश में कोविड के 58,419 नए मामले आए सामने। कलेक्टिव मामलों की संख्या 2 करोड़ के पार। अभी तक 87,619 लोग डिस्चार्ज भी हो चुके हैं। 81 दिनों बाद 60,000 से कम मामले सामने आए हैं। कोरोना अपडेट, देश में कोविड के 58,419 नए मामले सामने आए हैं। तो लगातार मामलों में गिरावट दर्ज की जा रही है। 81वें दिन 60,000 से कम मामले सामने आए हैं। तो ब्रेकिंग बैक टू बैक के बाद एक नजर 5 मिनट में देश और दुनिया की 25 बड़ी खबरों पर। यूएई ने भारत पर लगा ट्रैवल बैन हटाया, कोरोना की दोनों डोज ले चुके पैसेंजर्स को मिली छूट। पंजाब के जालंधर में मिला ग्रीन फंगस का पहला केस, मेडिकल कॉलेज में मरीज का इलाज जारी। सोशल मीडिया का देश विरोधी ताकतें कर रही गलत इस्तेमाल, आतंकवादी घटनाओं से जुड़े होने के मिले सबूत। जम्मू कश्मीर की राजनीतिक पार्टियों के साथ पीएम नरेंद्र मोदी करेंगे बैठक, अब्दुल्ला महबूबा समेत 14 नेताओं को न्योता। कांग्रेस विधायकों के बेटों को सरकारी नौकरी देने पर विवाद, सीएम अमरिंदर सिंह ने दी सफाई। यूपी में 2 से अधिक बच्चे वालों की सुविधा में होगी कटौती, सरकारी योजनाओं के लाभ से किया जा सकता है वंचित। हर महीने हो सकता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यूपी दौरा, आगामी विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा ने कसी कमर। लखनऊ पहुंचते ही तेवर में दिखे जितिन प्रसाद, बिना नाम लिए कांग्रेस सपा और बसपा पर कसे तंज। सीएम योगी आदित्यनाथ का ऐलान, जिले में 1 हफ्ते तक नहीं मिला कोरोना संक्रमित तो करेंगे पुरस्कृत। विधान परिषद सदस्य एके शर्मा भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष नियुक्त, अन्य मोर्चे के भी अध्यक्ष हुए घोषित।
कट्टरपंथी इब्राहिम रायसी होंगे ईरान के अगले राष्ट्रपति, अमेरिका लगा चुका है बैन। कोरोना से जंग में इसराइल की मदद लेने से फिलिस्तीन ने किया इनकार, वैक्सीन के जल्द खराब होने का दिया हवाला। जम्मू कश्मीर पर सर्वदलीय बैठक से पहले बौखलाया पाकिस्तान, भारत को दी चेतावनी, 14 महज 28 घंटों में। चीन ने बनाई 10 मंजिला इमारत, भूकंप से भी इमारत को नहीं होगा नुकसान। नामीबिया में जनसंहार के लिए जर्मनी को हर्जाना देने के लिए मजबूर करने वाले नेता को कोरोना से हुआ निधन। शहीद संदीप उन्नीकृष्णन पर बेस्ट फिल्म मेकर की शूटिंग अगले महीने फिर से होगी शुरू। मिल्खा सिंह को परसून जोशी ने बताया जीवन की प्रेरणा, भावुक होकर दी श्रद्धांजलि। अमिताभ बच्चन स्टारर चेहरे सिनेमाघरों में जल्द होगी रिलीज, आनंद पंडित ने किया ऐलान। वरुण धवन ने ली कोविड-19 वैक्सीन की पहली डोज, फैंस से की वैक्सीनेशन करवाने की अपील। केकेआर ने सलमान खान के बाद लिया विद्या बालन से पंगा, श्रेणी को छोटी फिल्म बताकर उड़ाया मजाक। इंग्लैंड पूर्व कप्तान हुसैन ने दिया रोहित व गिल को लेकर बड़ा बयान, क्रिकेट जगत में बहस छिड़ सकती है। WTC फाइनल में किंग कोहली के कवर ड्राइव ने लूट ली महफिल, फैंस के साथ साथ पूर्व क्रिकेटर भी हुए हैरान। शाकिब अल हसन के बाद सबीर रहमान को मिली बदतमीजी की बड़ी सजा, मैच के दौरान फील्डर को मारी थी। शेफाली स्नेहा सहित 5 भारतीय खिलाड़ियों ने किया डेब्यू, सभी ने मचाया कोहराम। क्विंटन डीकॉक शतक से चूके, दक्षिण अफ्रीका ने वेस्टइंडीज को 139 रन पर किया ढेर। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक,